गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे माय टॉपिक ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्ती। मानव बस्ती किसे कहते हैं? ह्यूमन सेटलमेंट मे बी डिफाइन एज ए प्लेस इनहैबिटेड मोर और लेस परमानेंटली, किसी स्थान पर बहुत अधिक या बहुत कम लोग स्थायी रूप से निवास करते हैं उसे मानव बस्तियां कहते हैं। एक या दो घर से बनी हुई बस्ती को एक या दो घरों से बनी हुई बस्ती को हम वास भूमि या होमस्टेड बोलते हैं। बहुत अधिक घरों से बनी हुई बस्तियां या जहां पर करोड़ों लाखों लोग स्थायी रूप से निवास करते हैं उसको हम मेट्रोपॉलिटन या मेगा सिटी भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, देर आर टू टाइप्स ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है? फर्स्ट, रूरल सेटलमेंट पीपल आर मेनली एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज। ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर करते हैं, फिशिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। सेकेंड, टू प्रोवाइड फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल टू द अर्बन पीपल। ग्रामीण बस्तियों के लोग खाद्य पदार्थ और रॉ मटेरियल कच्चा माल का उत्पादन करते हैं अर्बन नगरीय लोगों के लिए। नेक्स्ट, थर्ड, द रूरल स्टूडेंट स्मॉल साइज, रूरल स्टूडेंट जो छोटे आकार के होती हैं, मैंने अभी बताया रूरल स्टूडेंट छोटे आकार के होती हैं, एक या दो घर की भी हो सकती हैं। देयर कैन बी रूरल स्टूडेंट ए सिंगल फैमिली, रूरल स्टूडेंट होती है वो एक सिंगल फैमिली की भी हो सकती है जिसको हम होमस्टेड कहते हैं। नेक्स्ट, द सोशल रिलेशनशिप आर इंटीमेटेड, उनके जो रूरल सेटलमेंट के जो लोगों के जो सोशल रिलेशनशिप हैं, जो सामाजिक संबंध है वो क्या होते हैं? इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट, अर्बन सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट द पीपल आर मेनली एंगेज्ड इन सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। यानी नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है, मुख्य जो व्यवसाय है वो प्राथमिक न द्वितीय और तृतीय क्रियाओं में लगे होते हैं। यानी नगरीय बस्तियों के लोग द्वितीय और तृतीय क्रियाओं में एंगेज्ड होते हैं और वो विनिर्माण उद्योगों में, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड में क्या होते हैं? एंगेज होते हैं। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड द फिनिश प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द रूरल पीपल, नगरीय बस्तियों के जो लोग हैं, नगरीय बस्तियां क्या है? तैयार माल, फिनिश गुड्स यानी फिनिश गुड्स को उत्पादन करती हैं और सेवाएं प्रदान करती हैं। किनको? रूरल पीपल को। और वो रिटर्न भी क्या लेते हैं? अर्बन जो सेटलमेंट के जो लोग होते हैं, रिटर्न में, रिटर्न फॉर द फूड एंड रॉ मटेरियल, और वो रिटर्न में क्या लेते हैं बेटा? फूड और रॉ मटेरियल। किन से? रूरल पीपल से। नेक्स्ट है, जो अर्बन सेटलमेंट होती है वो लार्ज साइज की होती है, मेगा सिटी भी और मिलियन सिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो द सोशल रिलेशनशिप, द सोशल रिलेशनशिप और फॉर्मल, अर्बन सेटलमेंट में रहने वाले जो लोगों का जो सोशल रिलेशनशिप है, सामाजिक संबंध है, वो फॉर्मल होता है, दिखावटी होता है, बनावटी होता है। ये बेटा हमने चार चार इनके डिफरेंस बताए हैं रूरल और अर्बन सेटलमेंट के। नेक्स्ट है, टाइप्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट। अब हम रूरल सेटलमेंट के टाइप्स का वर्णन करेंगे। टाइप्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट, देर आर फोर टाइप्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट। फर्स्ट, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, गुच्छित बस्ती। सेकेंड, डिस्पर्स सेटलमेंट, परिचित बस्तियां, आइसोलेटेड भी बोलती हैं बस्तियां, एकाकी बस्ती। थर्ड, सेमी कॉम्पैक्ट, अर्धगुच्छित बस्तियां। थर्ड, हेलमेटेड, पूर्वी,
बस्तियां, ये चार टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट एंड डिस्पर्समेंट, यानी गुच्छित और परिचित बस्तियों में क्या अंतर है उसका वर्णन करेंगे। गुच्छित कॉम्पैक्ट सिस्टम, गुच्छित गुच्छित से मतलब एक ही बनता है, जो इसमें जो हाउसेज आर बिल्ट इन क्लोज विचिनिटी टू इच अदर, जिसमें जो घर होते हैं, जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में जो घर होते हैं वो एक दूसरे के सटे हुए होते हैं, दीवार से दीवार सटी हुई होती है, उन्हें कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बोलते हैं। फिर सुनो, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में जो घर होते हैं वो एक दीवार से, एक घर की दूसरे घर से दीवार टच होती है, यानी मकान एक दूसरे के क्लोज होते हैं, उसे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट करते हैं। जैसे हमारे गाँव है, हमारे गाँव में अपने गाँव में देखा होगा कंट्री साइड में रूरल, जो मकान एक दूसरे के सटे हुए होते हैं, ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। तो द मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर, तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में जो लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर। थर्ड, द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मेनली फाउंड इन प्लेन फर्टाइल प्लेन एरिया, रिवर वैली, डेल्टा रीजन। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होती है वो बेटा उपजाऊ मैदानों, नदी घाटियों और डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में द साइज ऑफ द फील्ड इज स्मॉल, खेतों का आकार कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में छोटा होता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होती है। हमारे जैसे गांव होते हैं, गांव में सबके पास क्या है, एक या दो एकड़ के खेत होते हैं, क्यों, पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा तो वहां खेतों का आकार क्या होगा, स्मॉल होगा। दस स्ट्रीट आर डर्टी ड्यू टू द लैक प्रॉपर ड्रेन, जो नालियां होती हैं, गलियां होती हैं, वो गंदी होती हैं, क्यों, क्योंकि वहां प्रॉपर ड्रेन सिस्टम नहीं है, नालियां प्रॉपर नालियां नहीं है, इसलिए वहां की जो स्ट्रीट होती है आर डर्टी, यानी गंदी होती है, गलियां गंदी होती है। फिफ्थ का जो पॉइंट है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वो क्या है, यहाँ जो लोग कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में जो लोग है कलेक्टिवली लाइफ जीते हैं, सामूहिक जीवन जीते हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। अगला है डिस्पर्स सेटलमेंट, डिस्पर्स सेटलमेंट परिचित बस्तियां, परिचित बस्तियां क्या होती हैं, परिचित बस्ती में हाउसेज आर आइसोलेटेड एंड स्केटर्ड ओवर द लैंड, जो घर होते हैं वो दूर दूर होते हैं, बिखरे होते हैं, एक मकान वहां, एक मकान वहां, एक मकान वहां, दूर दूर मकान होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए थे, कॉम्पैक्ट में सटे हुए थे, इसमें मकान दूर दूर तक होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, और स्केटर्ड ओवर द लैंड, और भूमि पर दूर दूर फैले हुए होते हैं, जिसको हम डिस्पर्स सेटलमेंट बोलते हैं। सेकेंड, द मेन ऑक्यूपेशन क्या है, तो इसमें तो जो मेन ऑक्यूपेशन है, द मेन ऑक्यूपेशन इज एनिमल ग्रेजिंग, वुड कटिंग, यानी डिस्पर्स सेटलमेंट में लोग क्या करते हैं, या तो लकड़ी काटते हैं या पशु चराते हैं, ये उन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। तो जो डिस्पर्स सेटलमेंट कहां पर, डिस्पर्स सेटलमेंट फाउंड इन माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्टेड एंड प्लेटिव एरिया, जो डिस्पर्स सेटलमेंट है परिचित बस्तियां हैं वो माउंटेन एरिया में, मरुस्थलीय एरिया में, फॉरेस्टेड एरिया में और प्लेटिव एरिया में पाई जाती है। इसीलिए माउंटेन एरिया में आप सेटलमेंट देखोगे, एक घर वहां, एक घर वहां, दूर दूर घर होते हैं, ठीक है। तो जो डिस्पर्स सेटलमेंट है फाउंड इन माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्टेड एंड प्लेटिव एरिया, प्लेटिव एरिया पाई जाती है। नेक्स्ट है, दिस सेटलमेंट्स आर नीट एंड क्लीन, जो डिस्पर्स सेटलमेंट है दूर दूर घर होते हैं वहां वो क्या होती है, वो सेटलमेंट नीट एंड क्लीन होती है, साफ सुथरी होती है, ठीक है। और जो उसमें जो फील्ड है, साइज ऑफ द फील्ड इज लार्ज साइज, खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, क्यों होता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम होती है वहां पर माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्टेड एरिया में, इसलिए खेतों का आकार बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, ये जो डिस्पर्स सेटलमेंट में जो लोग हैं आइसोलेटेड लाइफ जीते, एकाकी जीवन जीते हैं, और जबकि कॉम्पैक्ट में कलेक्टिवली लाइफ जीते हैं, सामूहिक जीवन, ये इसमें आइसोलेटेड लाइफ जीते हैं। ये बेटा मैंने आपको डिफरेंस बताया है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड डिस्पर्स। सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या है, सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट भी किसी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट से अलग हुई है, ठीक है, समझ रहे, ये दोनों ही जो हेमलेटेड है, हेमेटेड है, ये दोनों ही जो सेटलमेंट है ये कॉम्पैक्ट से अलग होगी। जो हेरमेटेड जो सेटलमेंट है, ढाणी, नंगला, पाडा पल्ली, ढाणी, नंगला, ये सारे हेरमेटेड सेटलमेंट है, जिसको सेकेंडरी यूनिट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इनकी स्टडी हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।